आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्माण दिवस के कार्यक्रम में अपनी बात रखने से पहले सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज संस्थापक जी के परिनिर्माण दिवस पे हमारे तमाम वक्ता साथियों ने बड़े विस्तार से इस मोमेंट पे या माननीय कांशीराम साहब ने किस तरह से आंदोलन को खड़ा किया, चलाया, क्या मकसद था, ये तमाम इशू पे आप लोगों ने चर्चा की। और उसमें उसी चर्चा में मैं आपकी बात से ही बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि चाहे माननीय बहन जी हों, माननीय कांशीराम साहब या बाबा साहब या फूले जी या साहू जी, हम लोग किसी भी महापुरुष के जयंती या परिनिर्माण दिवस मनाते हैं तो हम खुशियां प्रकट करने और दुख प्रकट करने के लिए नहीं मनाते। हमारा मकसद होता है कि ये महापुरुष जिस कारमा को लेके चले थे और अपने जीते जी उन्होंने इस कारमा को जहां तक ले आए, हम उन्हीं के अनुयायी होने के नाते उस कारमा को हम और आगे कैसे बढ़ाएं, हम उनके जयंती पर भी और उन महापुरुषों के परिनिर्माण दिवस पे हम संकल्प लेते हैं, ये हमारा मकसद होता है जिस पे आप लोगों ने भी बात की। इसलिए मुझे भी, क्योंकि माननीय कांशीराम साहब के विषय में बहुत कुछ नहीं कहना है, इसलिए नहीं कहना है कि आप तमाम आज इस जो परिनिर्माण दिवस पे सत सत नमन करने माननीय कांशीराम साहब को आप लोग आए हैं, इसमें तमाम वो शख्सियत के लोग हैं जो लोग माननीय कांशीराम साहब के साथ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिला के काम किया है। इसलिए आप लोग उनकी कार्यप्रणाली, उनकी सोच या उनकी विचारधारा या उनके मकसद के विषय में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मुझे आज विस्तार में उस पर चर्चा नहीं करनी है। लेकिन मुझे इतना जरूर कहना है कि हम जितने वक्ता साथियों के विचार सुने, सबकी सोच एक थी कि माननीय कांशीराम साहब, ठीक है हमारे बीच से उनका शरीर गया, लेकिन आज उनकी सोच जिंदा है और उस सोच को लेके या उस मकसद, उनके मकसद को लेके आज बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी जो संघर्ष कर रही हैं, तो हम सभी लोगों को बहन कुमारी मायावती जी के साथ लग के माननीय कांशीराम साहब के इस मिशन को मंजिल तक पहुंचाना चाहिए। यही उनके विषय में आज सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये व्यू करीब करीब सबके नजरों से या सबके शब्दों से या श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मुझे लगा कि सब में आया। मैं केवल एक दो बातें कहना चाहता हूं, जब आप सभी लोग यही चाहते हैं, सबका मकसद है कि माननीय कांशीराम साहब का मूवमेंट मंजिल तक पहुंचे, तो उसमें आपने ही सवाल किया, आपने ही जवाब दिया। क्योंकि जब मैं आप लोगों के बीच में बैठता हूं, आपको बोलने का मौका देता हूं, तो आप सवाल करते हैं तो उसका जवाब आपका ही साथी देता है। आपने ही कहा कि अगर हम लोग अपने बीवी बच्चों को भी ये बातें बताते, भाई बहुजन समाज क्या,
भाई आपका बेटा अगर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझ ले, आपकी बेटी बहुजन समाज की विचारधारा को समझ ले, आपका परिवार बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब फूले साहू जी या बहन जी को समझ ले, ये समझाने का काम आपका है। हम नहीं कह रहे हैं कि समाज में आप जाके बहुत भाषण देंगे तो लोग तैयार होंगे। हम कह रहे हैं इतना बड़ा काम आप अगर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास पारिवारिक दायित्व तो है और जिम्मेवारियां हैं, तो कम से कम अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को आप ये तो बता सकते हो कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि ये महापुरुष अगर संघर्ष नहीं करते तो आज तुम्हें भी ये सम्मान की थोड़ी सी जो जिंदगी मिली है वो जिंदगी नहीं मिलती। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ इस महापुरुषों के कारवां के लिए भी आपको विचार करना है, काम करना है। ये ज्यादा लोगों को नहीं, आप अपने वाइफ को समझा दो, आप अपने बेटे को समझाइए, आप अपनी बहू को समझाइए। मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि जिस दिन ये काम आप शुरू कर दो, माननीय कांशीराम साहब का या माननीय बहन जी का या बाबा साहब फूले और साहू जी का सबका मिशन पूरा हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं कहा कि आप लोग खुद जानते हो, माननीय कांशीराम साहब का कैडर लिए लोग हो, माननीय बहन जी का कैडर लिए लोग हो, तो इसलिए आप लोग ये काम करना शुरू कर दो। इतने दिन ना सही, कम से कम इसी पर निर्माण दिवस के मौके पर आप लोग संकल्प ले लें कि भाई हमें माननीय कांशीराम साहब का मिशन जो अभी इनकम्प्लीट रह गया है, जो मिशन बहन कुमारी मायावती जी चला रही हैं, हमें उसे आगे बढ़ाना है। अगर आज भी आप लोग संकल्प ले लें तो भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह कारवां रुकेगा नहीं, बहुत तेजी से ये अपने मंजिल तक पहुंचेगा। लेकिन हम भी लंबे समय से आपके बीच में, जिन लोगों ने इस मूवमेंट के साथ काम किया, जिन लोगों ने माननीय कांशीराम साहब के साथ किया, कम से कम 40-50% लोग तो हमें मिल जाते हैं। अभी भी बहुत लोग जिंदा हैं, मिलते हैं। और जो मैं यहां आता हूं जम्मू के ऑफिस में, वो आराम से मुझसे टाइम मांगते हैं, और टाइम मांगने के बाद 15-20 मिनट 25 मिनट बस यही बताते हैं, माननीय कांशीराम साहब को चाय पिलाने में लेके गया था, माननीय कांशीराम साहब जब भी आते थे मैं यही आता था, यही बैठता था। हम कहते हैं कि आप ठीक करते थे, आपको बहुत सम्मान दिया, इसलिए आपका दायित्व और कर्तव्य होता है कि जब आप माननीय साहब और माननीय बहन जी को बड़े नजदीक से देखे हैं, बड़े नजदीक से सुने हैं, तो फिर आपका दायित्व और कर्तव्य तो सबकी अपेक्षा ज्यादा आपका हो जाता है कि उनके कारवां को आप आगे बढ़ाओ। तो कहते हैं साहब मैं तो पूरी तरह से समर्पित हूं, हमसे बात उत करके फिर चले जाते हैं। हम अध्यक्ष जी को भी बुलाते हैं कि अध्यक्ष जी इनका सहयोग लो, फिर घूम फिर के या तो मैं जिले में चला जाऊं और प्रदेश में चला जाऊं, फिर जब 1 महीने 15 दिन पे फिर मैं जब लौट के आता हूं, मैं अध्यक्ष जी से पूछता हूं कि अध्यक्ष जी वो लोग उस बार मिले थे, अभी बीच में क्या सहयोग रहा? तो अध्यक्ष जी बताते हैं साहब 2 बार तो मैंने फोन भी किया, 1 बार तो मैं चल के भी गया। लेकिन साहब कहते कि देखो युवाओं को निकालो, नए लोगों को निकालो, हम तो पुराने हैं, हम तो चलते रहे। अब सबसे बड़ा मुश्किल काम यही है यहां पे कि जो लोग मिशन को जानते हैं, जो माननीय साहब को जानते हैं, जो माननीय बहन जी को जानते हैं, उनका दायित्व और कर्तव्य और ज्यादा काम करने का होना चाहिए। तो उनको ये चिंता होती है कि मैं आऊंगा तो मंच मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब उनको चिंता यह होती कि माला पहनाने का मौका मिलेगा, बोलने का मिलेगा।
और इसके साथ साथ सबसे बड़ा बताओ, मल्होत्रा जी हमें फोन तक नहीं किया। अब बताओ कौन सा मिशन आप चला रहे हैं भाई? ये किसी व्यक्ति विशेष का काम तो नहीं है। अगर आप सत्ता में आओगे, अगर इस देश में बहुजन समाज की सरकार बनेगी, बहन जी प्रधानमंत्री बने, तो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, पूरे समाज का हित होगा, पूरे समाज का भला है। आपके प्रदेश की सरकार बनेगी, आपका कोई भाई यहाँ का चीफ मिनिस्टर बने, तो उसी का भला नहीं होगा, किसका होगा? पूरे समाज का होगा, पूरा बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, सिख मुस्लिम ईसाई बौद्धिस्ट पारसी जितने लोग आते हैं सबका हित होगा। और इतना ही नहीं, अब तो बहुजन समाज के साथ साथ बहन कुमारी मायावती जी ने सर्व समाज का भी नारा दे दिया है। तो बहुजन समाज ही नहीं, सर्व समाज के भी गरीब लोगों का भला अगर होगा, तो जब आपके बीच का साथी इस आंदोलन को चला के विधायक और सीएम की कुर्सी तक पहुंचेगा, तब आपका भला होगा। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आप राय देते हैं और भाषण भी बहुत अच्छा देते हैं, उसमें कहीं दो राय। लेकिन मैं पुनः आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि भाषण के साथ साथ थोड़ा वर्क भी आप करो, और जब आप वर्क करोगे तभी आप इस कारवां को आगे बढ़ा पाएंगे। बाकी आप कोसते रहिए, कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, वो तो कर ही रहे आज से नहीं। हमारी जिस बहन ने कहा मुझे कभी बोलने नहीं आता है, उन्होंने एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कह गई कि बाबा साहब के मूवमेंट को तो खत्म ही कर दिया था लोगों ने, वो तो माननीय कांशीराम जैसे महापुरुष अवतरित हुए, बहुजन समाज पार्टी आई जिन्होंने उनको, माननीय कांशीराम साहब और मूवमेंट ने बाबा साहब को जिंदा कर दिया, ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने कहा। और अगर माननीय कांशीराम साहब नहीं होते, बहुजन समाज पार्टी नहीं होती, तो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन भी नहीं मिलता, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न भी नहीं मिलता। ये भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। वोट क्लब पे बड़े लंबे समय तक धरना दिया था, बीपी सिंह को समर्थन भी बहन जी इसी इशू पे दी थी, बाबा साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए और पिछड़े समाज को 27% रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए। और जम्मू को लेके अगर कहीं न कहीं बीएसपी सॉफ्ट कार्नर रही धारा 370 के हटने में, तो उसका भी सबसे बड़ा रीजन ये था कि ओबीसी के लोगों को अन्य प्रदेशों की तरह यहां भी 27% रिजर्वेशन मिलेगा, दलित समाज के लोगों को भी उनकी आबादी के अनुसार 12-14% रिजर्वेशन यहां भी मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी सुलझे हुए लोग हो, किसी भी समय आपके प्रदेश में चुनाव अनाउंस हो सकता है। चल रहा है सीटों का, मुझे लगता है लास्ट उसका मार्च तक दिया है, डिलिमिटेशन का जो वर्क चल रहा है मार्च तक दिया, मार्च के बाद कभी भी इलेक्शन हो सकता है। इलेक्शन में आप टिकट भी मांगेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन इलेक्शन में टिकट मिल जाना, बहन जी का आशीर्वाद मिल जाना, आप चुनाव लड़ लेना, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप चुनाव लड़ो तो चुनाव जीतो कैसे, और जीतने के लिए टिकट तो बहन जी से मिलेगा आपको, लेकिन जीतने के लिए मेहनत आज से करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे आप लोग संकल्प लेके जाएं, और यह संकल्प लेके जाएं कि हम लोग विधानसभा में, सेक्टर में,
पोलिंग बूथ में समाज को तैयार करके बीएसपी का जो संगठन बहन कुमारी मायावती जी ने हमें दिया है हम उसको बनाएंगे। और एक चीज मैं और कह के, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप लोग लंबे समय से यहाँ बैठे हो, क्योंकि हमने आज बोल दिया था प्रदेश अध्यक्ष जी को कि जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे विधानसभा के हों, जिले के हों, अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो आज उनसे बुलवा लेना, उनसे श्रद्धांजलि अर्पित करा के दो दो मिनट उनसे बुलवा लेना, क्योंकि वो सभी लोग माननीय कांशीराम साहब को महापुरुष मानते हैं, तो आज खुश होंगे इस बात से कि उस महापुरुष के कारवां में आगे, इस कारवां को आगे बढ़ाने में मेरा भी थोड़ा योगदान है, या ये लोग मानते हैं कि योगदान कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा दो मिनट वो फूल अर्पित कर लेंगे साहब को और उनके विषय में दो शब्द बोल लेंगे, ये हमने प्रोग्राम रखा। इसलिए हमें और ज़्यादा न कहते हुए मैं बस इतना कहूँगा कि बीजेपी कांग्रेस की जो कुछ भी नीतियाँ हैं वो कभी भी अगर दलित हित में रही होती, पिछड़ों और गरीब के हित में रही होती, आदिवासियों के हित में रही होती, तो फिर माननीय कांशीराम साहब को इतना बड़ा या माननीय बहन जी को इतना बड़ा आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमेशा इन दोनों की नीतियां इस गरीब और दलित पिछड़ा आदिवासी के हितों को कुचलने की रही है, जो आज भी चल रहा है। आज भी हमसे मीडिया वाले पूछते हैं कि साहब 370 हटने के बाद आपको जम्मू में क्या नजर आता। मैंने कहा भाई 370 हटने के बाद जहां ये उम्मीद जगी थी कि सेंटर की सारी पॉलिसी स्टेट में इंप्लीमेंट होगी, लोगों को हक अधिकार मिलेगा, नौकरियां बच्चों के लिए बढ़ेगी, शिक्षा के अवसर खुलेंगे, लेकिन वो सब तो नजर नहीं आया। जो मैं हिमाचल से आपके प्रदेश में घुसता हूं तो जहां एक भी टोल नहीं थे, 370 हटने के बाद कम से कम 7-8 टोल जहां आपको 60 से 65 या 70 रुपये ये देना होता, ये मुझे नजर आता है। अब जब मैं गांवों में जाता हूं तो गांवों में चमकता हुआ शराब के ठीके खुलता मुझे नजर आता है 370 हटने के बाद। और जहां 27% पिछड़े समाज को रिजर्वेशन का मामला था वो भी नहीं मिलता, आज भी 2% ही तो है। इसलिए कोई वो नहीं बल्कि शोषण बढ़ा है। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से अपील करूंगा कि नेताओं को या दूसरे दल के जो कांग्रेस के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, पीडीपी के हों, एनसी के हों, कोई अलग नहीं है, उन्हीं के एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। आप जानते हो अच्छी तरह, फारूक जी के पास चले जाओ तो भी उनके बगल में कौन बैठता है, जितेंद्र जी के यहाँ चले जाओ तो भी देखोगे कौन बैठता है, महमूबा के पास चले जाओ तो देखो उनके साथ कौन रहता, सब आप लोग जानते हैं। संजोग से मैं भी सांसद रहने के नाते क्या कर देख लिया, अरे मैंने कहा भाई ये तो इतना मोटा तगड़ा आदमी है, तो इसका एक भाई तो मैंने वहाँ देखा था, जितेंद्र जी के यहाँ देखा था। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अपने उन्हीं के सगे भाई है जो फारूक जी के साथ रहते हैं, एक भाई वहां है तो एक भाई यहाँ। अब उनसे आप सोचते हो कि उनसे आपको उन लोगों को सत्ता में पहुंचा के आपको हक अधिकार मिलेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, ये सबकी सोच एक जैसी है। ये कोई भी दल, चाहे पीडीपी की बात करें, चाहे एनसी की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, ये सभी दल की मजबूरी है आपकी बात करना। ये मजबूरी क्यों है? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में प्राविधान कर दिया, इसलिए उनकी मजबूरी बन गई है कि आपका वोट लेने के लिए आपकी केवल बात करते हैं, और बात करके जब सत्ता में पहुंचते हैं, क्योंकि आपका चेहरा उनको अच्छा नहीं लगता है, आपके पसीने से उनको बदबू आती है, खुशबू नहीं आती, इसलिए सत्ता में पहुंचने के बाद आपसे प्यार या आपसे जब वोट मांगने जाते हैं तो प्यार नहीं है, वो बाबा साहब का संविधान है, जिस संविधान के तहत उनको आपके पास जाना होता है और आपका वोट लेते हैं। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से कहूँगा कि 5 साल
पीडीपी को, एनसी को, कांग्रेस को या बीजेपी को देखना बंद करो। आप लोग अपनी ताकत बनाओ, आप लोग अपने संगठन को मजबूत करो। आप बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में भरोसा करके, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल के आप लोग अपने संगठन को ठीक करो। यही चीज़ें जब आप शुरू कर देंगे तो सही माने में बसपा के संस्थापक माननीय कांसी राम साहब को सही श्रद्धांजलि होगी। ऐसी कुछ अपील करते हुए मैं पुनः इस आशा भरी उम्मीद के साथ कि माननीय कांसी राम साहब के 15वें निर्माण दिवस के इस मौके पे आप लोग संकल्पित होके जाएंगे कि 15 साल न सही, अब इस बार हम लोग चेते, अब इस बार हम लोग संगठन बनाएंगे, हम लोग आपस में भाईचारा पैदा करेंगे, हम सभी समाज बहुजन समाज के साथ साथ हम अपर कास्ट के भी जो गरीब लोग हैं, जो बहुजन समाज की इस विचारधारा को आगे लेके चलना चाहते हैं, उनको लेके बहन कुमारी मायावती जी के दिखाए हुए रास्ते पे चल के अपना संगठन बनाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो हम विधानसभा का चुनाव लड़के लड़ा के प्रदेश की भी बागडोर बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी के हाथों में देंगे। इस संकल्प के साथ मैं आप लोग इस मौके पर इधर आए हैं। मैं और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, खुदा हाफिज, जय कांसी राम। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, माननीय कांशीराम जी अमर रहे, माननीय कांशीराम जी अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मानवर काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मानवर काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं रिक्वेस्ट करंग अंसराज और मजाल तेरो आए दे वो अग्गे आन, उंदे कन्नै दुबे अंसराज और भी साहिल बनोत्रा, बोधराज, मनमीत कुमार, ये सारे दे सारे साथी अग्गे आई आन। बोधराज जी, अंसराज जी, जेड़े भी मेरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के साथी आए थे, मैं उन्हें के बेनती करन कि वो अगे आई जान। श्री हंसराज जी, हंसराज जी, बोधराज जी, हंसराज दूसरे भी, फौजी साहब, और भी कोई साथी जेड़ा वो ज्वाइन करना चाहता हुआ है वो अगे आई आ। ये सारे साथी जेड़े डिस्ट्रिक्ट उधमपुर मजालते तो आए थे ना, और भी कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट का साथी कोई जेड़ा वो ज्वाइन करना चाहता हुआ है वो मंच पर आई आ और ज्वाइन करे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।